2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वोट डाला। इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मतदान किया। वहीं पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली में वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करना महत्वपूर्ण है। वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग और राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां छठे फेज में वोटिंग जारी है। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। वही 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार इनमें शामिल हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 58 सीटों पर अभी वोटिंग जारी है। अब यहां छठे फेज में वोटिंग हो रही है। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह भी मैदान में हैं। वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, हम आपको बता दें, इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो इसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रेहान वारसी। सबसे पहला सवाल ये है कि अभी वोटिंग 58 सीटों पर जारी है, तो क्या स्थिति है मतदान केंद्रों की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, यूपी की 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। और अगर मतदान की बात करें तो 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। इलाहाबाद की बात करें तो 23%, अम्बेडकर नगर की बात करें तो 30%, आजमगढ़ 28, बस्ती 29, भदोही 25, डुमरियागंज 27, जौनपुर 26, लालगंज 28, मछलीशहर 27, फूलपुर 22, प्रतापगढ़ 26, संत कबीर नगर 27, श्रावस्ती 26, सुल्तानपुर 28। और अगर मतदान केंद्र की बात करें तो अभी हालांकि मतदान केंद्रों पर सन्नाटा नजर आ रहा है, वो भीड़ नहीं नजर आ रही, क्योंकि भारी गर्मी को देखते हुए जो मतदाता हैं वो नहीं निकल रहे हैं। और जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, मतदान केंद्र पर भीड़ हो सकती है। तो मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि सुरक्षा को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? आपने अभी बताया कि वोटिंग कम दिख रही है, मतदाताओं की भीड़, तो क्या कारण हो सकता है इसका? जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से 8,840 इंस्पेक्टर और 6,000 के करीब हेड कांस्टेबल और 49 कंपनी पीएससी लगाई गई है। और जो चुनाव आयोग है वो लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सुरक्षा कमी में कोई भी वो नहीं देखी जा रही है। जी, जैसे कि आपने बताया सुरक्षा में कोई कमी नहीं दिख रही है, फिर भी मतदाताओं की भीड़ नहीं है, तो इसका कारण क्या, गर्मी हो सकती है? इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि भारी धूप है, भीषण गर्मी पड़ रही है और उत्तर प्रदेश में धूप को देखते हुए जो मतदाता है वो अभी नहीं निकल रहा है। हालांकि सुबह के टाइम वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था और तकरीबन 11 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। तो ये देखा जा रहा है कि अगर अभी जब टाइम और बढ़ेगा, 6 बजे तक मतदान होना है, तो शाम तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है और मतदाता भी निकलेंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया, शाम तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं सभी बड़े बड़े नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया था, तो क्या इससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दिख रही है या? जी बिल्कुल, अगर हम हॉट सीट की बात करें तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट से मेनका गांधी हैं और जो है सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, इनकी भी जो है ये भी मैदान में है। और अगर आजमगढ़ की बात करें तो निरहुआ बनाम धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है और जो इंडिया गठबंधन है, इन लोगों ने बहुत कायदे से प्रचार प्रसार किया, तो वोटिंग परसेंटेज पे काफी असर पड़ेगा। वोट परसेंटेज इस बार बढ़ेंगे 2019 के मुकाबले। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि वोटिंग प्रतिशत में अंतर दिखेगा 2019 के मुकाबले में, तो युवा मतदाताओं में कुछ खास उत्साह या जो बुजुर्ग हैं उनमें? युवा मतदाता की बात करें तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है जी, कि अपने मत का प्रयोग करने का और अपना नेता चुनने का, तो
तो मतदाताओं के अंदर, युवा के अंदर अपना एक एक जज्बा है, वो अपने लिए वोट डालने के लिए निकलेंगे, और वो किन मुद्दों पे वोट करते हैं ये तो वही बता सकते हैं कि बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था, ये कई मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो जैसा कि हमने बताया, 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और अभी भी वोटिंग जारी है। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दिल्ली में अपना वोट डाला है। इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मतदान किया है। वही पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली में वोट डाला।